हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ASK और आज आपके लिए कलर सम वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट करना है तो कर लीजिए। आज होने वाली है ये वीडियो टॉप 5 फ़ोनों के बारे में जो आपके सस्ते होंगे और सबसे बड़ी बैटरी होने वाली है इनकी। तो आप जान लेते हैं सबसे पहले फ़ोन के बारे में। तो ये होने वाला है रेडमी की तरफ से Note 10। तो इसमें आपको जो देखने को मिलेगा, इसमें आपको एंड्रॉयड 11 OS देखने को मिलेगा। बैटरी होने वाली है 5000 mAh की बैटरी और इसकी डिस्प्ले होने वाला है 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले। 60Hz की रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिल जाएगा और चिपसेट होने वाला है आपका Qualcomm Snapdragon का 678G प्रोसेसर और क्वाड कैमरा होने वाला है सेटअप इसका। जो प्राइमरी कैमरा होने वाला है इसका वो आपका 48 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वायलेट कैमरा होने वाला है 8 मेगापिक्सल का और 2-2 मेगापिक्सल के आपको माइक्रो और डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। गोला ग्लास 3 तक की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा फ़ोन ये होने वाला है गाइस, काफ़ी सस्ता है। इसका जो स्टार्टिंग प्राइसिंग रेट 12,000 के करीब इसकी स्टार्टिंग रेंज है और इसकी स्टार्टिंग रेंज में आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज आपको सेट मिल जाएगा। बात करते हैं अपने सेकंड फ़ोन की, तो वो आपका रियलमी नाजो की तरफ से आने वाला है 30। रियलमी नाजो 30 होने वाला है। इसका जो प्रोसेसर होने वाला है वो आपका MediaTek Dimensity 70 SoC देखने को मिल जाएगा। आपका काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर ये होने वाला है। इसमें आपको जो बैटरी देखने को मिलेगी वो होने वाली है 5000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी और साथ में आपको जो चार्जर देखने को मिलेगा वो 18W का आपको इसमें चार्जर देखने को मिल जाएगा। ये ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप होने वाला है गाइस। इसमें आपको प्राइमरी जो कैमरा देखने को मिलेगा वो होने वाला है 48 मेगापिक्सल का और 2-2 मेगापिक्सल के आपको डेप्थ और माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाएंगे। तो बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। डिस्प्ले होने वाली है 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले और 90Hz की रिफ्रेशिंग रेट के साथ ये आता है। तो बात करते हैं इसकी सेल्फी कैमरा की, तो वो होने वाली है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा। इसका भी स्टार्टिंग रेंज लगभग रियलमी के बराबर ही है, रेडमी नोट 10 के बराबर ही है। इसका भी 12,000 से अराउंड स्टार्ट होता है, वो भी 4GB रैम 64GB स्टोरेज इसका भी है। और जो इसका दूसरा वेरिएंट आता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, वो आपका 14,000 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं अपने तीसरे फ़ोन की, तो तीसरा फ़ोन होने वाला है आपका सैमसंग गैलेक्सी F41। इसमें आपको सबसे बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, 6000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको 18W तक फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। डिस्प्ले होने वाली है 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो होगा आपका सैमसंग का ही एक्जोनोर 9611 आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और इसका जो स्टार्टिंग प्राइसिंग रेंज है, जो इसका स्टार्टिंग प्राइस रेट होने वाला है वो भी लगभग बराबर ही है। आपको 13,000 to 12,000 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा इसका स्टार्टिंग रेंज और जो इसका 6GB रैम 128GB स्टोरेज वो आपको 14,000 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा। ये एंड्रॉयड 10 बेस में आता है गाइस और इसमें ट्रिपल सेटअप है आपको कैमरा का, जिसमें 64 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी, 84 मेगापिक्सल का अल्ट्रा और 5 मेगापिक्सल का फोकस सेंसर कैमरा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का बड़ा अच्छा सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो बात करें तो इसमें चौथे फ़ोन की, तो ये आने वाला है आपका रेडमी नोट 10 T5। ये 5G फ़ोन सपोर्टेबल होने वाला है गाइस। इसमें आपको 5000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल जाएगी और इसका डिस्प्ले होने वाला है 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, 90Hz की रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रिपल रियल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 2-2 मेगापिक्सल के आपको डेप्थ और माइक्रो सेंसर कैमरा देखने को मिल जाएंगे। सेल्फी कैमरा आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, एंड्रॉयड 11 बेस में आने वाला है। इसका प्राइसिंग रेट भी आपको 13,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। वह होगा आपका 4GB रैम 128GB स्टोरेज और उसका दूसरा वेरिएंट होगा 6GB रैम 128GB स्टोरेज, यह आपका 15,000 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा दूसरा वाला। अब बात करें अपने लास्ट फ़ोन पोको की, जो आपका पाँचवा फ़ोन आने वाला है। पाँचवें फ़ोन में आपका नंबर पर आपको देखने को मिलेगा पोको M3। इसमें आपको भी 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 18W का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले होने वाली है 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले होने वाली है और Qualcomm Snapdragon 662G चिपसेट आपको देखने को मिल जाएगा।
तो बात कर लेते हैं इसकी ट्रिपल रियर कैमरा की। इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, वो होगा का पहला प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का, दो दो मेगापिक्सल के इसमें भी आपको डेप्थ और माइक्रो सेंसर कैमरा देखने को मिल जाएंगे। इसका प्राइसिंग रेट भी 12,000 से स्टार्ट है गाइस। इसका पहला 4GB रैम 64GB स्टोरेज आपको पहला देखने को मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं ऐसी ऑसम वीडियो लाता रहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे को प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि इन तीनों में से आपको कोई फ़ोन अच्छा लगा कि नहीं।